हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में कांग्रेस के एक गुट ने वर्तमान विधायक के खिलाफ बगावत तेज कर दी है। इस गुट ने रामपुर बुशहर विधानसभा हलके में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठकें कर 15 वर्षों से चल रहे विधायक नंदलाल के खिलाफ माहौल तैयार किया है। कांग्रेस के एक गुट ने रामपुर के तकलीच में बैठक कर आरोप लगाया कि विधायक के साथ साथ ब्लॉक कांग्रेस में भी अवसरवादी लोग जोड़े गए हैं, जिनके परिवार से ही लोग अन्य दलों में भी मलाई मार रहे हैं। ऐसे लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि विधायक का विरोध करने वालों को हल्के में लिया जा रहा है और प्रचारित किया जा रहा है कि मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हर क्षेत्र में विधायक के खिलाफ नाराजगी है, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज रहे राजा वीरभद्र सिंह के गृह क्षेत्र और गढ़ रामपुर बुशहर में मुश्किलें पैदा हो सकती है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तुरंत प्रत्याशी बदलने की मांगी है। विरोधियों ने कहा कि विधायक का पिछले 15 साल का कार्यकाल निष्क्रिय रहा है, ना तो वे क्षेत्र विकास में ज्यादा ध्यान देते हैं और ना ही क्षेत्र की समस्याओं एवं उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे में 2% जनसंख्या वाले समुदाय से जुड़े प्रतिनिधि को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देना उचित नहीं है। पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष रामपुर बुशहर हरिचंद्र लक्टू ने बताया कि गुटबाजी नहीं है, हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के वफादार सिपाही हैं। उन्होंने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस के कुछ लोग उन्हें मुट्ठी भर करार दे रहे हैं, जबकि उनके साथ 4 पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में भाजपा बढ़त लेती है, ब्लॉक कांग्रेस में परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि रामपुर के विधायक लोगों के दुख सुख और विकास के प्रति सजग नहीं, नौकरियों में भी रिश्तेदारों को तवज्जो दिया गया है जो चिंतनीय है। मैं हरीश लक्टू, एक्स वाइस चेयरमैन नगर परिषद रामपुर बुशहर। जैसे हमें खबर मिली है कि भी गुटबाजी नहीं है यहाँ पर। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, रानी साहिबा के सच्चे सिपाही हैं। हम विक्रमादित्य जी को, जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी थे जो एक्सपायर हुए हैं, तो उनकी जगह पर उनको देखना चाहते हैं, उनको वहाँ बिठाना चाहते हैं। हम जो राजा साहब के वफादार हैं, हम मुट्ठी वाले लोग नहीं हैं। जो कुछ लोग कहते हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जिनका आप बात करें ननखड़ी के, उनके घर से जो है वहाँ से भी बीजेपी लीड करती है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है। और उन्होंने अपना परिवारवाद मंडलों में वही लोग लिए हुए हैं, तो इससे पार्टी मजबूत नहीं होगी। जहाँ तक नंदलाल का कहना है, हमारे विधायक जी हम मानते हैं शरीफ है, हमें शरीफ उसको चाटना नहीं है, हमको वर्कमैन चाहिए, हर लोगों के साथ चले, जमीन में बैठे हमारे साथ बात करे कि भाई क्या समस्या है भाई, कोई तकलीफ दुख आपके एरिए में, वो कभी पूछते नहीं है। जहाँ तक मंडल अध्यक्ष है कि हमारे साथ एक्स जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, जो मंडल के रहे हुए हमारे ब्लॉक के, 4 प्रेसिडेंट हमारे साथ है। आपने कभी हमको फ़ोन किया? बिल्कुल नहीं किया। झूठ बकते हैं कि हमने फ़ोन किया है, हमको कोई फ़ोन नहीं किया। हम जो है विधायक चेंज करना चाहते हैं रामपुर से, सब लोगों की यही एक आशा है राज परिवार के साथ कि भी राजे को हमने आगे देखना है। आज हमारा भविष्य विक्रमादित्य सिंह जी है, टीका महाराज हमारे रामपुर से हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो आगे आए, हमको विधायक से कोई नहीं लेना है। हम चाहते हैं अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिनको वो साथ लेके नहीं चलते, परिवारवाद जॉब का काम है, नौकरी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बांटी है। अनुसूचित जाति के कोई लोग बोले मुझे नौकरी दी, किसी को नौकरी नहीं दी उन्होंने, जो भी अगर नौकरियां दी या जो भी रखे हैं तो अपने नाते रिश्तेदार रखे हैं। आम जो हमारी जनता है, गरीब है, आज महंगाई कितनी हो रही है वो कभी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्षेत्र में। महेंद्र खुन ने बताया कि हमारा विरोध सिर्फ एक व्यक्ति से है, हमारा विधायक गत 15 वर्षों में निष्क्रिय रहा। उन्होंने कहा विधायक का काम विधायक निधि बांटना ही नहीं होता है, इससे जनता का और क्षेत्र का विकास होने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस मुहिम को लोगों ने कई तरह से पेश करने की कोशिश की, कोई जातिवाद रंग दे रहा है, कोई विरोधी गुट का। किसी पार्टी का नैतिक पतन तब होता है जब कार्यकर्ताओं की आवाज़ को कुचलने की कोशिश होती है।
यदि पार्टी हाईकमान ने कोई फैसला ना लिया तो इसका खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। ब्लॉक कांग्रेस द्वारा जो हमारे कार्यकर्ताओं पर कुछ आरोप, झूठे आरोप कहूँगा मैं तो, लगाए गए थे, मेन मकसद वही खंडन करना था। उसके बावजूद इस मुहिम को लोगों ने कई तरह से पेश करने की कोशिश की है। कभी इसको जातिवाद का रंग दिया गया, कभी इसको विरोधी दल का दर्जा दिया गया, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक मिलीजुली मुहिम है। हम देखना चाहते हैं कि कौन आदमी विरोध में खड़ा है, नंदलाल के साथ खड़ा है या क्या चाहता है, हमारा कार्यकर्ता चाहता क्या है, मेन मकसद ये है। जहाँ तक आपने विषय की रणनीति की बात की, हमारी बात चली हुई हाईकमांड से जो फैसला आएगा, मैक्सिमम लोग उधर ही चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई लिख रहा है दो फाड़ है, तीन फाड़ है, चार फाड़ है, या ब्लॉक बोल रही है मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुट्ठी भर लोग अब मुक्का बन चुका है। आने वाले भविष्य में रामपुर के विकास के लिए जो उचित होगा हम वही फैसला लेने वाले हैं। भाई जी, हाईकमान अगर कैंडिडेट नहीं बदलती है तो क्या कदम उठाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता जी, हाईकमान कैंडिडेट कैसे नहीं बदलेगी? कार्यकर्ताओं की आवाज़ अगर कोई भी पार्टी में, तो कह देना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी का पतन नैतिक रूप से कब शुरू होता है? जब वो कार्यकर्ताओं की आवाज़ को मतलब कुचलने की कोशिश की जाती है। अगर आज भी रामपुर के अंदर ये कोशिश की जाती है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस पार्टी लूज होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? तो ये हम अपनी बात स्पष्ट संदेश जो है हाईकमांड को भी दे देना चाहते हैं। पूर्व जिला परिषद सदस्य पद्मा ने बताया कि विधायक के प्रति कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, क्योंकि विधायक चंद लोगों को साथ लेकर चलते हैं, बाकी कांग्रेस के लोगों को दरकिनार किया है। उन्होंने रामपुर ब्लॉक कांग्रेस में ऐसे लोगों का होना बताया जिनके परिवार के लोग विभिन्न दलों में हैं, वे चारों ओर से रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि रामपुर ब्लॉक कांग्रेस में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के हिमायती नहीं बल्कि विधायक के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं जो पार्टी का नहीं अपना भला सोच रहे हैं। ऐसे में यदि विधायक का टिकट नहीं बदला तो कांग्रेस के लिए ही मुश्किलें खड़ी होंगी। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं पद्मा, पूर्व एक्स जिला परिषद सदस्य झाकड़ी वार्ड और एक्स प्रधान डंसा रह चुकी हूँ। और ये जो मीटिंग हुई है हमारी यहाँ पे, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मीटिंग है, ये हमारा एक जो रोष है विधायक जी के प्रति, इसीलिए क्योंकि विधायक जी कुछ चंद लोगों को लेके मतलब चलते हैं, बाकी लोगों को दरकिनारे किया हुआ है। इसमें उनके अकेले की गलती नहीं है, इसमें रामपुर के जो मंडल के कुछ लोग हैं जो कि चारों तरफ की रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसके एक भाई बीजेपी में, दूसरा कांग्रेस में, तीसरा कहीं आप में जा रहा है, कहीं उनके पूर्वजन जो उनके बुजुर्ग है वो कहीं किसी हिंदू परिषद की अध्यक्षता में जा रहे हैं। कोई ऐसे लोग हैं रामपुर ब्लॉक में चुने हुए जो जो कि सच्चे सिपाही है रामपुर कांग्रेस ब्लॉक में राज परिवार के, उनको दरकिनारे किया जा रहा है। क्योंकि रामपुर, मैं मानती हूँ रामपुर ब्लॉक में जो आज की डेट में जो है वो राज परिवार के नहीं, कांग्रेस के नहीं, और नंदलाल जी के सिपाही है, नंदलाल जी की कांग्रेस है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो एक भाई ने पीछे मीडिया द्वारा जो बताया गया है कि